हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। यदि मूलधन 3,000 रुपये से 2 वर्ष में मिलने वाला साधारण ब्याज 1,200 रुपये है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शंस है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 12%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 28% और ऑप्शन डी है 40%। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिया है क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो क्वेश्चन में पहली चीज़ दी हुई है मूलधन। तो मूलधन बराबर कितना दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है हमारा 3,000 रुपये, ठीक है। वही दूसरी जो जो चीज़ दी हुई है वो दिया हुआ है समय। समय कितना दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है हमारा 2 वर्ष, ठीक है, ओके। समय के बाद क्वेश्चन में जो अगली चीज़ दी हुई है वो दिया हुआ है साधारण ब्याज, ठीक है। तो 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,200 रुपये। क्लियर इतना। और हमें ज्ञात क्या करना है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है वार्षिक दर, ठीक है। साधारण ब्याज का जो वार्षिक दर है वो हमको ज्ञात करना है, फाइंड करना है, क्लियर है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे और उस साधारण ब्याज के सूत्र से ही हम उसका वार्षिक दर ज्ञात कर लेंगे, क्लियर है। तो चलिए साधारण ब्याज का सूत्र मैं लिख देता हूँ। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वह होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने में दर गुने में समय और पूरे का बटा 100, ठीक है। ये होता है साधारण ब्याज का सूत्र। तो चलिए इस सूत्र में क्वेश्चन में से जो भी चीज़ें दी हुई है, क्वेश्चन में जो भी मान दिया हुआ है उसको हम लोग बारी बारी से रख देते हैं। तो साधारण ब्याज दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है साधारण ब्याज बराबर 1,200, ठीक है। वही मूलधन की बात करें तो मूलधन दिया हुआ है हमारा 3,000 रुपये। दर हमें नहीं दिया हुआ है, दर हमें ज्ञात करना है इसलिए दर को दर ही लिख देते हैं। समय हमारा दिया हुआ है 2 वर्ष और बटे में क्या है यहाँ पे, तो ये है 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, दर निकालने के लिए जो भी राइट हैंड साइड पे चीज़ें हैं, जैसे कि मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ठीक है, और बटे में 100 दिया हुआ है, इसका पक्षांतर हम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे या 1200 है उधर करेंगे। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर वैल्यूज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दर बराबर 1200 गुने में 100, 100 जो नीचे था उधर बटे में था वो पक्षांतर करने पर ऊपर आ जाएगा, गुने में आ जाएगा, ठीक है। वही जो चीज़ें ऊपर थी जैसे कि मूलधन, मूलधन कितना था तो 3,000, और समय, समय कितना था तो 2, तो ये दोनों क्या है बटे में आ जाएंगे या नीचे आ जाएंगे, क्लियर है। ये पक्षांतर करने पर हुआ। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का जो 2 शून्य है वो 3,000 के 2 शून्य से कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे नीचे में ये जो 30 का 1 शून्य है ये वाला और ऊपर का 1200 का जो 1 शून्य है वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, तो हमारे पास बच रहा है 120 और नीचे में बच रहा है 3 और 2। अब क्या करेंगे, इस 120 को 3 से भाग देंगे। तो 3 से जब 120 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 शून्यम 0, ठीक है। तो 120 को 3 से भाग देने पर यह 40 बार में चला जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, तो दर बराबर हमारे पास ऊपर बचा हुआ है 40 और नीचे बचा है 2, ठीक है। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से इस 40 को डिवाइड करेंगे या भाग देंगे। तो 2 से 40 को भाग देने पर यह कितनी बार में जाएगा, यह हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है, और 2 विषम 40, यानी कि 40 जो है वह 2 से 20 बार में चला जाएगा, क्लियर है। इस तरह से हमारे पास जो दर का मान आया वह कितना आया, वह आया 20%, ठीक है। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, यही साधारण ब्याज का क्या है, वार्षिक दर है, क्लियर है। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की, ऑप्शंस को देखने की। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 20% दिया हुआ है, क्लियर है, ओके। तो जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में
20% दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मूलधन 3000 रुपये से 2 वर्ष में मिलने वाला जो साधारण ब्याज है 1200 रुपये, ठीक है, उसका जो वार्षिक दर है, ठीक है, वह कितना होगा, तो वह 20% होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूज़फुल साबित होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।